दोस्तों, किरण की रसोई से में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मैंगो केक, जो बहुत ही कम सामानों से और झटपट से बनकर के तैयार होगा। और ये देखिए, इसको माउथ वाटरिंग लगता है, एकदम से मुंह में जाकर के घुल जाता है। तो हम ये आज बनाना सीखेंगे। तो आइए झटपट से ये मैंगो रेसिपी बनाना सीखें। कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। इस मिल्क पाउडर को हम आधे कप दूध में घोल लेंगे अच्छे से, ताकि लम्स ना रहें। दूध आप गरम, ठंडा, किया हुआ कैसा भी ले सकते हैं, कच्चा दूध भी ले सकते हैं, पहले से गरम किया हुआ दूध भी ले सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम आधा कप दूध और डालेंगे। तो इस तरीके से हमने 1 कप दूध ले लिया इसमें। अब इसको हम गैस पर चढ़ाएंगे। अब हमने मीडियम आंच पर इसको चढ़ा दिया है और इसमें एक उबाला आने देंगे। दूध में एक उबाला आ गया है और अब इसमें हम भीगे हुए साबूदाना डालेंगे। 2 से 3 घंटे मैंने इनको भिगो दिया था और 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने साबूदाना लेके भिगो दिया था। भीगने के बाद हमें आधा कप साबूदाना चाहिए। भिगाते वक्त आपको आधा कप नाप करके नहीं भिगाना है, आधे कप से कम भिगोना है, यानी 1/4 कप थोड़ा सा और ले लें तो फूल करके ये आधा कप हो जाएंगे नाप में। और अब इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे और ट्रांसपेरेंट होगा ये साबूदाना और थोड़ा सा गाढ़ा होगा ये दूध, इसमें अच्छे से पक जाएगा ये साबूदाना। तब तक हमें इसको पकाना है। ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत जल्दी से ही पक जाता है, क्योंकि भीगा हुआ साबूदाने को पकाने में देर नहीं लगती है। तो इसको हम ट्रांसपेरेंट होने देते हैं। तो 2 से 3 मिनट में देखिए हमारे साबूदाना जो है पक कर के इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। ऐसे ही हमें करना है। और अब इसमें हम 2 टेबल स्पून भर कर के चीनी डालेंगे। चीनी को भी मेल्ट होने देंगे और थोड़ा सा जो इसमें पतलापन आ जाता है उसको 1-2 उबाला लेकर के थोड़ा इस मिश्रण को थोड़ा और गाढ़ा कर लेंगे। अब ये हमारा साबूदाना देखिए गाढ़ा हो गया और चमकदार भी हो गया, ट्रांसपेरेंट। और अब हम गैस बंद करके इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। बर्तन में हम एक पैन में 1.5 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड लेंगे। हम 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बढ़िया लगता है। और इसमें हम 1/2 कप नॉर्मल दूध मिलाएंगे और इसको हम अच्छे से घोट लेंगे, ताकि कस्टर्ड में जो है कोई लम्स ना रहे, मिल्क पाउडर और कस्टर्ड एक सार हो जाए। ये कस्टर्ड केक या पुडिंग कह दें आप इसको, आप बिगनर्स हैं अगर कुकिंग करने के लिए तो आप लोग इसी से शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी डेजर्ट अगर आपको प्रेजेंट करनी है तो, उसके अलावा जो बैचलर्स हैं उन लोगों को मीठा खाने का शौक है, सिंगल रहते हैं, बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो वो लोग भी इसे आसानी से बना करके खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी होती है ये। और आप 3 से 4 दिन तक इसको रख करके खा सकते हैं। तो अभी मैं इसको, बिल्कुल लम्स फ्री हो गया हमारा ये मिश्रण। और अब इसमें हम 1/2 कप दूध और डालेंगे। मिश्रण को हम कम आंच पर गैस पर चढ़ाएंगे, तो हम चलाते रहेंगे ताकि ये कस्टर्ड जो है अच्छे से पक जाए और नीचे जाके चिपके नहीं। तो बस कस्टर्ड की यही खासियता होती है, कॉर्नफ्लावर हुआ, कस्टर्ड हुआ, कि इनको हमें लगातार मूवमेंट कराना चाहिए ताकि अच्छा क्रीमी टेक्सचर हमारा जल्दी से आ जाए। तो इसको मैं गाढ़ा होने देती हूँ थोड़ा। तो इस मिश्रण को हमें देखिए 1 से 2 मिनट हो गए, गाढ़ा हो गया है। और अब इसमें हम 2 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर से थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे, क्योंकि चीनी डालते ही थोड़ा सा ये मिश्रण जो है पतला हो जाता है। तो हल्का सा उबाला आने देते हैं, इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो बस हल्का सा उबाला आ गया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बस गाढ़ा हो गया है। इससे ज़्यादा हमको गाढ़ा नहीं करना है, बस चम्मच पर जो है ये देखिए इसकी लेयर बन रही है इतना ही, ये देखिए इससे ज़्यादा हमको नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तब तक हम इसको चलाएंगे और फिर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। शुरू शुरू में हमें इसको अकेले छोड़ना नहीं है, वरना नीचे जा कर के चिपक जाता है। तो बस गैस मैंने बंद कर दिया है और बंद गैस पर मैं इसको लगातार इस तरीके से चला रही हूँ, ताकि इस पर जो है कोई पपड़ी नहीं आए। तो बस इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी और फिर रूम टेम्परेचर पर इसको होने दूँगी ठंडा। कोई भी बर्तन ले लेंगे, इसमें हम
केक स्लाइस या बिस्किट जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसकी एक लेयर लगा लेंगे। घर पर जो आप केक बनाते हैं उसका चूरा अगर हो साइड का तो वो भी यूज़ हो सकता है, इससे एक बेस मिल जाता है, उसके बाद जो है ये वो टेस्टी लगता है। तो इसको मैं सेट कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसमें सेट कर दिए लेयर्स को। आप कोई भी टीन केक का ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का, स्टील का। मैंने जो रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है कस्टर्ड मिश्रण उससे डालेंगे। जो लोग आइसक्रीम नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कस्टर्ड को भी हम एक सार करेंगे ताकि हमारी जो केक की लेयर है वो पूरी ढक जाए, क्योंकि ये कस्टर्ड जो है बाइंडिंग का काम करेगा। कस्टर्ड की लेयर सेट कर दी है और अब इसको हम फ्रीजर में कम से कम 20 मिनट तक रखेंगे, और फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ तो इसको मैं 20 मिनट फ्रिज में नहीं रख करके फ्रीजर में रख रही हूँ। हमारा कस्टर्ड सेट हो गया है और अब इस पर हम मैंगो की स्लाइस बारीक कटी हुई डाल देंगे इस तरीके से। ये मैंगो की जो क्यूब्स हैं काटे हुए वो डाल दिए, और अब हमने डालना है इस पर ठंडा किया हुआ साबुदाने वाली मिश्रण की लेयर। तो इसको हम अच्छे से बिछाएंगे इसके ऊपर। साबुदाने की लेयर भी हमने लगा दी और अब फिर से हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे मैंगो के कटे हुए टुकड़ों से, क्योंकि हम मैंगो डेजर्ट बना रहे हैं तो इसलिए। और आम अगर आपका अच्छा कटा हुआ मीठा होगा तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, और आप ये किसी भी आम से बना सकते हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा और कलरफुल करूँगी, या तो पिस्ता से या हरी चेरी से करते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और ये रेड चेरी डाल दूँगी थोड़ा सा, तो येलो ग्रीन और रेड कलर देखिए इसका कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगता है हमें। ये किसी और चीज़ से भी गार्निश कर सकते हैं, और इसको हम 20 मिनट फिर से हम फ्रीजर में या फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसको मैं रख करके सेट कर लेती हूँ। ये हमारा ये जो है मिश्रण अच्छे से सेट हो गया है और अब इसको हम सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छे से सेट हुआ है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।